बच्चों अब हम करेंगे अपना सेकेंड टॉपिक रैशनल नंबर्स के अंदर, जिसका नाम है कि ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस होते हैं ना। तो हम देखेंगे कि इनको कैसे हम रैशनल नंबर्स के ऊपर करते हैं। आ जाइए, तो इसके अंदर जो फर्स्ट करेंगे हम एडिशन करेंगे पहले। हाँ जी, तो देखो अब हमारे पास दो फ्रैक्शन, दो रैशनल नंबर होंगे, उनको हमें देखना है कि कैसे ऐड करते हैं। मान लो कि मेरे पास है 7/3, ओके, देन मैं उसको ऐड कर रहा हूं किसी दूसरे फ्रैक्शन, दूसरे रैशनल नंबर के साथ, जो कि क्या है, 2/3, ओके। तो कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है कि देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत अच्छी बात है। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको लिखो, देन आपके पास क्या है 7, ठीक है, प्लस ऊपर क्या आपके पास 2, ओके। क्या करेंगे, देखो ये पॉजिटिव जब अंदर जाएगा तो क्या करता है, वो साइन चेंज नहीं करता, ब्रैकेट ओपन कर देता है। तो वही चीज होगी, 7 ये -2/3 विच इज इक्वल टू 5/3, सिंपल। यही करना क्या है, कुछ भी नहीं, देखो दो लाइन में आंसर निकल जाता है, ठीक है। बस इसमें ध्यान क्या देना होता है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, यानी लाइक हमारे पास जो रैशनल नंबर है या नहीं। तो क्या करेंगे हम, अगर है तो अच्छी बात, डायरेक्टली कर लो, नहीं तो पहले फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एलसीएम लेके आपस में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके, वो आपको आता है, ओके। अब इसके बाद आपके पास इसके अंदर एक और आता है एडिशन के अंदर ही, रिपीटेड एडिशन, ठीक है। देखो ये क्या चीज होती है, रिपीटेड एडिशन का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि 2/3 प्लस में 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, एक ही रैशनल नंबर बार बार ऐड हुए जा रहा है, यही है ना, यानी रिपीटेड हो रहा है, रिपीट हो रहा है एडिशन। तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि हमने, हमारे पास क्या है 2/3, देन हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 4 बार रिपीट हो रहा है ना, ये इसको शॉर्ट में कर लिया हमने, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, 8/3, अब इसको आप चाहे सॉल्व कर लो, यही आएगा, ठीक है। ये होता है हमारा रिपीटेड एडिशन। इसी का उल्टा होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल है ये भी। इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये आपके पास एक ही चीज ऐड हो रही है, बट इसमें इनवर्स होता है, यानी कि मान लो कोई फ्रैक्शन रैशनल नंबर आपके पास 4/3, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है, वो -4/3 हो रहा है, फिर वो दोबारा से प्लस हो रहा है, देन एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन एक बार प्लस हो रहा है, देन एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये इस तरीके से इनवर्स, मतलब उल्टा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, हम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका, देखो ये एक पॉजिटिव है, ये इसका इनवर्स है, उल्टा है ना, अपोजिट है, तो ये कट गया ऐसी, देखो ये इसका अपोजिट हो गया, ये कट गया, 4/3 का अपोजिट -4/3, ये कट गया, तो उसमें आंसर क्या था, हमेशा 0, ओके। तो एडिशन के अंदर रिपीटेड एडिशन और एडिटिव इनवर्स ऐसे करते हैं, क्लियर हो गया। चलो अब अगला करते हैं हम सब्ट्रैक्शन का। अपने पास सब्ट्रैक्शन तो वैसे इसी में ही कवर हो चुका है ऑलरेडी, बट फिर भी एक कर लेते हैं, आ जाइए। इसके अंदर कैसे करेंगे, देखिए अब मान लो कि मेरे पास है ये 7 + 7/3, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 2/3 से, यही चीज है, दोनों के हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है ना, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो ऊपर वैसे लिखते हैं ना, 7 - (2), यही होगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करेगा तो नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, वो क्या करता है, जो साइन अंदर होता है उसका उल्टा कर देता है, तो अंदर पॉजिटिव साइन है ना, तो क्या करेगा, इसको नेगेटिव कर देगा, -2 हो गया ना ये, मतलब माइनस में आ गया, अभी क्या हो गया 5/3 हो गया, सिंपल चीज। अब हमें इसका देखो दूसरा एग्जांपल करना हो, जैसे कि मान लो हमारे पास है 7/3, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम किसको, -4/3 को, ये मान लो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम वही चीज, कैसे करना है, 3 आ जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर सेम है,
देन ऊपर क्या आएगा, 7 माइनस ब्रैकेट में माइनस। ओके, जब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो अंदर वाले का साइन चेंज कर देता है ब्रैकेट खोलने के लिए। तो ये 7 नेगेटिव, अंदर नेगेटिव है, उसको क्या कर देगा पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 11 अपॉन में 3 आ जाएगा। सिंपल सी चीज, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल ऐसी करना है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब करते हैं बच्चों मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन तो सबसे ज्यादा इजी होता है, हमने इसी क्लास में देखा है। जब मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करते हो, सबसे खास बात क्या होती है कि हमें उसके डिनोमिनेटर को देखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर को देखना पड़ता है, अगर सेम नहीं है तो फिर करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो कहता है मजे लो। मजे कैसे लो कि भाई मान लो आपके पास -2/3 है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 से, तो कहता सिंपल मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको क्या कहता है, कहता है आपको ऐसे करना है, ऐसे कर लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में कर लो, देन सिंपल मल्टीप्लाई करो। कैसे कि n मल्टीप्लाई बाय n, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, यही करेंगे तो -2/4, 3/1 विच इज इक्वल टू -8/3। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि एक ही नंबर के पास नेगेटिव साइन था इसलिए, ठीक है, तो -8/3 ऐसे ही होगा ना। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर नेगेटिव नेगेटिव का ले लो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आ जाओ, मेरे पास है -2/3, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको -6/7 से। ओके, कर लेते हैं, तो कैसे होगा इसको देखो, सिंपल न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, यही होगा। क्या होगा, -2/-6/3/7, यही चीज आएगी। देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, जब दो नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। रूल याद है आपको, हाँ, दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 2/-6 +6 ठीक है, एंड 3/7 है तो 21 हो जाएगा। अब दोनों देखो 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं तो कितने पे आते हैं, ये 4 पे, ये 7 पे, तो ये 4/7। ओके, हो गया क्लियर। चलिए अब आगे करते हैं इसका हम अगला जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन करते हैं। सारे ऑपरेशन एक ही में करवा रहा हूं ताकि एक ही जगह आपको देखने में आसानी रहे, ये नहीं कि बार बार आगे वीडियो पीछे करनी पड़ेगी, एक ही में काम हो जाएगा। डिवीजन, डिवीजन के अंदर क्या फंडा चलता है, रेसिप्रोकल का, याद आया कुछ जो हमने अभी पिछले स्टार्टिंग के चैप्टर में करके आए थे। मान लो आपको करना है -2/3 डिवाइड करना है 4/7 से। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना इसको, तो मल्टीप्लाई में कैसे, इसका रेसिप्रोकल करते, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर कर दो और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर कर दो, ठीक है ना, ये न्यूमरेटर इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर इधर चला जाएगा, यही चीज होती है ना। यही करेंगे हम कि भाई हमारे पास है -2/3। ओके, अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है 4/7, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके उल्टे से, 7/4, सिंपल चीज। अब देखो 2 से यहां से काट सकते हो, तो -1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ऐसे कटेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया 7/6 नेगेटिव साइन के साथ, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और नेगेटिव नेगेटिव नंबर का ले लेते ताकि और अच्छे से हो जाए। आ जाइए, आपके पास है -2/3 डिवाइड करना है आपको अब 3/8 नेगेटिव से, ठीक है, ये आपके पास, क्या करेंगे सेम वही चीज कि -2/3 तो ऐसी रहेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो ये 8/3 हो जाएगा नेगेटिव। ओके, अब सॉल्व करते हैं, ये नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर क्या है मेरे पास 8 × 2 = 16 और नीचे 9, 3 × 3 = 9, तो 16/9 आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपको इस तरीके से करना है आपको रैशनल नंबर्स के अंदर ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन,
एंड डिवीजन, ठीक है। दो नेगेटिव आ जाए, दो पॉजिटिव आ जाए, दो या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ जाए, तो ऐसे करना बिल्कुल सिंपल वे है। रेसिप्रोकल करो एंड डिवीजन वाले को मल्टीप्लाई कर दो, बस ये चीज हो जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गया आपके पास रैशनल नंबर्स, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस करेंगे आप, देन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करके जाना, ठीक है जी। थैंक यू, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स है, ठीक है। थैंक यू।